अस्सलाम वालेकुम लवली पेरेंट्स एंड वेलकम अगेन टू मम्सी टॉक। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हमारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे बच्चों की तरफ। एज पेरेंट्स हमारे लिए कई सारी ऐसी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ताकि हमारे बच्चे इमोशनली, फिजिकली और सोशली फिट रहे और अच्छे से नर्चर करें। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस बेबी इज देयर बिकॉज ऑफ आस, और हमारा फर्ज बनता है कि हम पूरी तरह से जितना हमारी कैपेसिटी में हो उसको दें, उसकी तरफ हम पूरी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज करें। तो चलिए आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं। हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम कैटेगरीज में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिसको मैं तवज्जो देती हूँ वो है इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड हमें ये समझना होगा कि अगर हम बचपन से ही बच्चों की इमोशनल नीड्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो बड़े होकर बच्चे काफ़ी बेटर पर्सन बनेंगे। अगर हम उनकी इमोशनल फैक्टर को बचपन में इग्नोर करेंगे तो बच्चे लो सेल्फ कॉन्फिडेंस या लो सेल्फ एस्टीम के शिकार हो सकते हैं। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि आउटसाइड का वर्ल्ड बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकता है, और कभी कभी अगर हम घर के अंदर डर का माहौल रखेंगे तो बच्चे खुलकर ना हमसे डिस्कस नहीं करेंगे। सो बहुत ही ओपन एनवायरनमेंट रखिए और कन्वर्जेशन के लिए हमेशा स्पेस रखिए ताकि बच्चा कभी भी आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे। डरा के या उन्हें डांट कर वो सहम तो जाएंगे और शायद आपको लगेगा कि वो डिसिप्लिन्ड हो गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि है उनका इमोशनल जो फीलिंग है, इमोशनल वेलबींग है, उसको हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे और वो हमसे कई बारी की चीज़ें छुपाएंगे जिसे आगे जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो बच्चों को आप डिसिप्लिन ज़रूर करो, बट इस चीज़ का ध्यान रखो कि हमें इतना डर नहीं बिठाना है कि वो हमसे आकर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस ना करें। दूसरा फैक्टर है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज़। बच्चों की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ में आती हैं हमारी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बच्चों के लिए, बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करना जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई, छोटी छोटी चीज़ें उन्हें ला कर देना, उनकी मनपसंद टॉयज या उनको जो भी पसंद है खाने में वो ला के देना, और बच्चों के लिए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनकी डेली यूज़ के लिए हो गए जैसे डायपर्स हो गए, उनके बेबी प्रोडक्ट्स हो गए, वो सब बच्चों को देना हमारी ड्यूटी है और वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि जितना भी हमारे बजट और हमारी कैपेसिटी में होगा हमें उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा। दूसरा पॉइंट है एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेशन हमें बच्चों को बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो आगे जाकर एक बहुत अच्छा फ्यूचर, बहुत अच्छा मुस्तकबिल हासिल कर सके। एजुकेशन सिर्फ स्कूल तक ही नहीं है लिमिटेड, बट हमें उन्हें कल्चरली, रिलीजियसली दीन की नॉलेज देनी भी ज़रूरी है। जब बात आती है बच्चों की स्कूल की एडमिशन की, हमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कूल में बच्चों को डालना चाहिए और हमें रिसर्च करनी चाहिए कि कौन सा हमारे बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल है जो हमारी नीड्स को और बच्चों की इमोशनल नीड्स को भी अंडरस्टैंड करे और बच्चों पे ज़्यादा बर्डन भी ना डाले। तो इस तरह से हमें बच्चों की स्कूल का सिलेक्शन करना चाहिए और घर पे हमें बच्चों को मॉरल, कल्चरल और रिलीजियस जो भी नॉलेज है वो भी हमें देनी चाहिए। दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ आर एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज टूवर्ड्स हेल्थ, जो हमारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स हो गए, वैक्सीनेशंस हो गए जो हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी है। हमें बिल्कुल भी ढील नहीं देना चाहिए जब बात बच्चे की हेल्थ की हो। बच्चे को कभी भी आपको लगे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इमीजिएटली आप पेडियाट्रिशियन के पास जाकर चेक कराओ, और छोटे बच्चों को तो आपको रेगुलरली पेडियाट्रिशियन के पास चेकअप करना चाहिए, क्योंकि घर में हमारे क्या बहुत सारे हमारे यहाँ पर सोसाइटी में तो नुस्खे देने वाले लोग बहुत होते हैं जो हमें राय देते हैं ये करना नहीं चाहिए, वो करना नहीं चाहिए। तो इस चक्कर में क्या है, हम सोचते हैं चलो इन्हीं की बातें मान लेते हैं, पेडियाट्रिशियन के पास जाना जरूरी नहीं है, बट ऐसा नहीं है। हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, कोई कुछ कह रहा है, वो बाद में, सबसे पहले आपको अपने पेडियाट्रिशियन के पास जाकर बच्चे को चेक करवाना है, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करना है, और प्रॉपर बच्चों का वैक्सीनेशन आप टाइम टू टाइम करें। जो आपको बर्थ के टाइम पर कार्ड दिया होगा WHO का, उसके अकॉर्डिंग सारे वैक्सीनेशन आपको बच्चों को करवाने चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बीइंग अ रोल मॉडल। हमें एक खुद को एक
रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ हमें खुद भी एक अच्छा रोल मॉडल बनना चाहिए। ये भी बच्चे की तरफ हमारी एक ड्यूटी है, क्योंकि अगर हम एक परफेक्ट इंसान होंगे तभी जाकर बच्चा आगे चलकर हमें कॉपी करेगा, हमारी बात मानेगा, हमें समझेगा। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम पहले खुद को ठीक करें, ताकि बड़े होकर बच्चे भी ये याद करें कि हाँ, हमारे जो पेरेंट हैं, हमारे जो मम्मी पापा हैं, वो इस तरह से थे, वो हमें रिस्पेक्ट करें। और वो रिस्पेक्ट हमें अर्न करनी है, हमें डरा के या फिर उनको ज़बरदस्ती हमें रिस्पेक्ट नहीं करवानी है। इट वी रिस्पेक्ट इज़ समथिंग दैट शुड बी अर्नड। तो जब बच्चे बड़े हों, वो हमारी खुद ब खुद रिस्पेक्ट करें, ऐसे रोल मॉडल आप बनो, ऐसी उनके सामने एक पिक्चर अपनी आप बनाओ जिसको बच्चे फॉलो करें। तो ये था मेरा वीडियो आज का, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ क्या है हमारे बच्चों की तरफ। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपके सामने बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।